घर से निकली थी काम करने, दो वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम करने, लेकिन हालात ने आज उस लड़की को कहां धकेल दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, रीवा की एक लड़की घर से निकली अपने परिवार की मदद करने के लिए, दो वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए। उसने शिल्पी प्लाजा में एक दुकान में काम किया, जहां उसकी पहचान कुछ अघोरी बाबाओं से हुई। उन्होंने उस लड़की को ना जाने का, यही नहीं घर वालों के वापस लाने पर भी आई जरूर, लेकिन एक बार फिर से वापस चली गई। तंत्र मंत्र साधना का यह है पूरा खेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के अमहिया मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की की। वह लड़की पहले तो रीवा में काम करती है, उसके बाद घर वालों से बोलती है उसकी नौकरी इंदौर में लग गई है, अब वो जा रही है इंदौर नौकरी करने। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद वो नहीं मानती और इंदौर के लिए रवाना हो जाती है, ऐसा कहना था लड़की का। घर वाले जब उसको तलाश करते हैं तो लड़की मिलती है उमरिया में। वहां से घर वाले लड़की को लेकर आते हैं, लेकिन लड़की एक बार फिर से घर छोड़कर चली जाती है। दोबारा अमैया थाने में लड़की आती है काफी दबाव डालने के बाद। वहां भी उसको घर जाने से रोका जाता है कुछ बाबाओं के द्वारा। पुलिस भी अपने हाथ बंधे महसूस करती है जब लड़की कहती है कि वो बालिग है। तमाम तरीके से उलझी ये कहानी रीवा के अमरिया मोहल्ले की एक लड़की की है। आइए आपको सुनाते हैं लड़की की बहन पूरे मामले को लेकर हमें क्या कुछ बता रही है, साथ ही हम आपकी बात कराएंगे लड़की की दादी से भी। यही नहीं, जब लड़की के चित्रकूट में होने की जानकारी मिली थी तो गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल ने लड़की को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वहां से भी लड़की को कोई और लेके चला गया था। संपत पाल की भी बातचीत जो भी हुई थी हम वो भी सुनाने की आपको कोशिश करेंगे। आपकी बहन का क्या नाम है, आपकी बहन कब से गायब है, पूरी बात जरा विस्तार से बताइए। मेरा नाम संध्या वर्मा है, मेरे बहन का नाम प्राची वर्मा है। मेरी बहन प्राची वर्मा, उसका संगत कुछ गलत लोगों के साथ हो गया, जिससे वो तंत्र मंत्र की आड़ में साधना सिद्धि के नाम पे पड़ गई। काफी समझाने के बाद ना समझने के कारण आज वो लापता है। हमने काफी पुलिस वालों से, सभी मंत्रियों मिनिस्टरों से सहयोग मांगा, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। आज हमारी बहन कहाँ है, किस हालत में है, हमें कुछ नहीं पता। हम जब भी मदद मांगने जाते हैं तो हमें ये कह के बोल दिया जाता है कि लड़की बालिग है, कुछ भी है, और भगा दिया जाता है थाने से। हम ये चाहते हैं कि एक बार जिन लोगों ने मेरी बहन के साथ ये सब किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी बहन को वापस ले आ दिया जाए। जब भी हम अपने बहन के लिए थानों में जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्रियों और सुखधर के द्वारा ये कॉल किया जाता है कि हमारी बहन बालिग है और कुछ भी कर सकती है, और फोन लगा के उसको घर से भगा दिया जाता है। आज वो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। हम ये चाहते हैं कि इन मंत्रियों के खिलाफ जो इस तरह के काम कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पुलिस के सहयोग द्वारा हमें हमारी बहन वापस दिलाई जाए। हम चाहते हैं कि हमारी प्राची बिटिया हमारे मतलब घर में आ जाए। सर जो तेरा चक्राए या दिल जो बजाए या प्यारे पास हमारे खाएगा बुरा। बुंदेली चुगली से नीरज खबर है, मध्य प्रदेश के लेके, मध्य प्रदेश के एक चोरकोट फर्जी नेता ने गुलाबी गैंग की लीडर
गुलाबी गैंग की मुखिया संपत पाल के संगे बस सलूकियों अवध तक कट डाली। और ऐसे वैसे नहीं, राज्य मंत्री बन के मध्य प्रदेश सरकार को राज्य मंत्री और मानव अधिकार आयोग को अध्यक्ष बन के। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।